ओम शांति। आज आपका 130 दिन का ईश्वरीय वरदान और आज के वरदान में परमपिता परमात्मा हमें सिखाते हैं कि किस तरीके से हम एक मंत्र को याद करें और उस मंत्र के द्वारा हम अपनी कर्मेंद्रियों को और 5 तत्वों के आकर्षण से अपने आप को मुक्त करा सकें। तो वो विधि क्या है, क्योंकि मन का रस जो है वो या तो 5 कर्मेंद्रियों से हम उठा रहे हैं या तो फिर परमात्मा के प्यार से या परमात्मा की लगन से या परमात्मा से कनेक्ट होने के या बाबा की याद में रहने से हम उठा रहे हैं। तो देखें आज बाबा कहते क्या हैं और वो क्या अनुभव है और कैसे इन चीज़ों को हम समझें कि क्या चीज़ें हमें खींचती हैं और क्या चीज़ें हमें परमात्मा से दूर कर देती हैं। तो परमात्मा कहते हैं आज के वरदान में, मन मनाभव की विधि द्वारा, मन मनाभव, मन को मना करके एक भव भगवान को याद करो। अब मन क्या है? मन बोलते हैं काफी सारे लोग की घोड़ा है, वो चंचल है, लेकिन मन आपके शरीर का अंग नहीं है, मन आप आत्मा का अंग है। ये सबसे पहला ज्ञान है जो कि हमें शक्ति देता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि ब्रेन सब कुछ करता है, लेकिन परमात्मा कहते हैं ब्रेन तो नहीं, मन जो है वो आत्मा के अंदर है। और आत्मा कैसी हो तुम और किस प्रकार की आत्मा हो, कब से इस धरती पर आई हो, क्या क्या कर्म किए हैं, क्या क्या रोल निभाए हैं, अगर वो सब कुछ पता चल जाए आपको आत्मा को, तो जाकर के मन ठहराव में आता है, क्योंकि आपको तीनों कालों का आपको ज्ञान हो जाता है, आपको तीनों लोकों का ज्ञान होता है और आपको पता चल जाता है आप क्या क्या करते हुए आए हो। तो बाबा कहते हैं मन मनाभव की विधि द्वारा मन रस की स्थिति का अनुभव करने, मन का रस परमात्मा से मिले करने और कराने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। तो हमारे जो बंधन हैं वो हमें खींचते हैं, वही तो युद्ध है, मन का परमात्मा से लगन प्रेम या मन का और आत्माओं के साथ में, 5 तत्वों के साथ में, 5 तत्वों की चीजों के साथ में लगन या लगाव। तो विस्तार में चलें, बाबा कहते हैं जो बच्चे लोहे की जंजीरें, लोहे की जंजीरों को देखा जाए तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आ जाते हैं, लोहे की जंजीरें जिनको तोड़ना तो है, उनको तो पता है हमें कि दिखती भी हैं कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आंखों से दिखती हैं हमें सारी चीज़ें। और महीन धागे जो दिखते नहीं हमें, जो हमें खुद भी नहीं पता चलता कि हम किसी के साथ में मोह में हैं या किसी वस्तु के साथ में हमारा लगाव है, हमें पता भी नहीं चलता ये सारी चीज़ों का, या हमारे अंदर कुछ सूक्ष्म कमजोरियाँ हैं, हम औरों की कमजोरियाँ देखते रहते हैं या औरों की बातें हम फैलाते रहते हैं या औरों के अंदर की बातों में ही हम फंसे रहते हैं या ऊंच नीच की बातों में हम फंसे रहते हैं। ये महीन धागे हैं ये जो कि हमें या तो ईर्ष्या में या तो घृणा में लेके आते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि लोहे की जंजीर तो मुख्य बड़ी बड़ी होगी, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो तो बड़ी बातें होगी, लेकिन महीन जो भी चीज़ें हैं वो भी एक बंधन है। तो जो बच्चे लोहे की जंजीरें और महीन धागों के बंधन को तोड़ बंधन मुक्त स्थिति में रहते हैं, वे कलियुगी स्थूल वस्तुओं की रसना, जो स्थूल चीज़ें होगी, चाहे कपड़े हो गए, चाहे खान पान की चीज़ें होगी, चाहे वो आपका मेकअप हो गया, चाहे आपके वो कपड़े हो गए, जो भी चीज़ें हैं, जो भी आप चीज़ें आप उनसे रसना लेते हो या उनको पहन करके या उनको इस्तेमाल करके या उनको इस्तेमाल करके आपको खुशी मिलती है, सुख मिलता है थोड़ी देर का, तो वो छोटी छोटी रसनाएं बाबा कहते हैं वह मन के लगाव से मुक्त हो जाते हैं। कौन? जो कि परमात्मा के याद में रहते हैं और उस मंत्र के याद में रहते हैं। उन्हें देह अभिमान व देह के पुरानी दुनिया की कोई भी वस्तु जरा भी आकर्षित नहीं करती। देह अभिमान मतलब क्या हुआ? देह के अहंकार की बातें कि मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैंने ये सब कुछ किया, मेरे को ये आता है, मेरे को इतनी क्वालिफिकेशन, मुझे इतना ज्ञान। चूंकि कहते हैं परमात्मा इस दुनियावी ज्ञान को तो आप अशुद्ध ज्ञान समझो, क्योंकि कलयुग का ज्ञान है और ये कभी भी सुख नहीं देता है। आज की साइंस भी आपको सुख नहीं दे सकती 100%, उससे दुख भी मिलता है और थोड़ा सा सुख मिलता है। तो परमात्मा कहते हैं अगर आपको आपकी इस दुनिया के ज्ञान या विद्या का अगर आपको अहंकार है, उसको आप देह अभिमान में काउंट करो, आपको अपनी पोस्ट पोजिशन का अहंकार है तो भी आपका देह अभिमान में आ गया। तो जिसको देह अभिमान है वो परमात्मा के प्रेम में कभी नहीं रह सकता। तो परमात्मा कहते हैं सबसे पहले तो ये बंधनों से अपने आप को मुक्त करो, ये जो छोटे छोटे बंधन बनाए हुए हैं और जो बड़े बड़े बंधन हैं देह अभिमान के, उनको मुक्त करो। मैं फलाना हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऊंचा हूँ, मैं सबसे सही हूँ, मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता, ये सब देह अभिमान की बातें हैं। तो फिर बाबा कहते हैं उन्हें देह अभिमान व देह के पुरानी दुनिया की कोई भी वस्तु जरा भी आकर्षित नहीं करती है। पुरानी दुनिया की वस्तुएं क्या होगी?
पुरानी दुनिया की वस्तु में आपके कपड़े, खान पान की चीज़ें आ गए, है ना, आपकी टेक्नोलॉजी की चीज़ें आ गई, वो सारी चीज़ें अगर आपको आकर्षित करती रहती हैं हर घड़ी, तो आप परमात्मा की याद में कैसे बैठोगे? तो परमात्मा की याद में नहीं बैठेंगे तो हमारे अंदर की जो कमी कमजोरियाँ हैं, जो कि जैसे बड़ी बड़ी काम क्रोध लुभाकर, वो हटेंगी ही नहीं। ईर्ष्या द्वेष घृणा वो महीन चीज़ें हटेंगी नहीं, तुलना करना वो हटेंगी नहीं। तो परमात्मा कहते हैं जब कोई भी इंद्रियों के रस, पांच इंद्रियां जो हमारी हैं, इनका रस जो हम लेते हैं, है ना, दिन भर खाने में ही लगा देना, दिन भर सोने में ही लगा देना, दिन भर अच्छी चीज़ें देखने में लगा देना, अच्छे कपड़े पहनने में लगा देना, तो परमात्मा कहते हैं कि इन इंद्रियों के जो रस हैं, जब कोई भी इंद्रियों के रस अर्थात विनाशी रस, जो कि थोड़ी देर के रस होते हैं, खान पान भी थोड़ा खाया, अच्छा लगा, टेस्टी लगा, खत्म हो गया, थोड़ा सा सो लिया, कोई अच्छी चीज़ देख ली, थोड़ा सा देर देखा, कुछ अच्छे कपड़े पहने, थोड़ी देर देखा, फोटोज खींची और ख़त्म हो गया, तो कितने देर का रस है ये? ये विनाशी रस है, परमात्मा कहते हैं। और परमात्मा की याद का रस वो अविनाशी है, जो हमेशा रह सकता है और अगले जन्म तक जा सकता है। तो परमात्मा कहते हैं जो इंद्रियों के रस हैं, जब कोई भी इंद्रियों के रस अर्थात विनाशी रस की तरफ आकर्षण ना हो, जब वो स्टेज पहुंचे हमारी, तब अलौकिक अति इंद्रिय, इंद्रिय रस और अति इंद्रिय रस मीन्स आत्मिक छठी इंद्रिय का रस, अति इंद्रिय सुख व मन रस स्थिति का अनुभव होता है, मन का रस मिलता है उसमें। मन को, आत्मा को पांच तत्वों का रस नहीं चाहिए, पांच तत्वों की चीजें, पुरानी दुनिया के रस नहीं चाहिए। तो परमात्मा को याद करने से ही अति इंद्रिय रस मिलता है, और आत्मा जब ये पांच तत्वों के रस के अंदर विलीन रहती है, तब तक वो मुक्त नहीं हो पाती। तो शरीर छोड़ते समय भी वही सारी चीज़ें याद आती हैं, मेरा घर, मेरी दौलत, मेरा खान पान, मेरे कपड़े कहाँ हैं, ये सब कुछ, मेरे गहने कहाँ हैं, ये सारी चीज़ें याद आती हैं शरीर छोड़ते समय, क्योंकि प्रैक्टिस कौन सी करी हुई थी, इन इंद्रियों के रस की प्रैक्टिस करी थी, अच्छा अच्छा पहनना, अच्छा अच्छा देखना, अच्छा अच्छा सुनना, अच्छा अच्छा खाना। तो परमात्मा कहते हैं तो फिर मुक्त कब हो गए? तो बाबा कहते हैं कि दोनों चीज़ों में अंतर है, जब कोई भी इंद्रियों के रस अर्थात विनाशी रस की तरफ आकर्षण ना हो, तब अलौकिक, अलौकिक ये लोक मतलब ये दुनिया का रस नहीं, ये दुनिया की अति इंद्रिय सुख जो है वो दूर है। तो परमात्मा कहते हैं ये है इंद्रियों का सुख इस दुनिया का, लौकिक, अलौकिक मतलब इस दुनिया से परे वाला, जो कि अति इंद्रिय सुख है, आत्मा को वो सुख महसूस होता है, सुख व मन रस स्थिति का अनुभव होता है। इसके लिए निरंतर मन मनाभव की स्थिति चाहिए, मैं आत्मा परमात्मा की याद में सदा रहूं, ताकि मुझे कोई भी दुनिया की, इस पुरानी दुनिया की चीज़ें आकर्षित ना करें, चाहे वो मोटे स्वरूप में लोहे की जंजीरों में, या वो छोटे स्वरूप में जो हमने बातें करी, जिसको हम कहते हैं महीन धागे जो दिखते भी नहीं हमें, कि हमारे अंदर ये कमजोरियां हैं, कमियां हैं। तो बाबा कहते हैं तब जा करके वो आपको स्थिति बनेगी, आपको अलौकिक अनुभव होंगे। तो आज का ये वरदान, ईश्वरीय वरदान, इसके अंदर बहुत गहराई है, इसको आप आकर के ब्रह्म कुमारीज में ही समझ सकते हैं गहराई से। और आज का दिन आपका शुभ हो, आप स्वस्थ रहें। ओम शांति।